स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है जेंडर एंड सेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जेंडर और लिंग। लगातार पिछले कुछ वर्षों से, यानी लास्ट फ्यू ईयर्स से, लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। जितने आसान तरीके से और जितने अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र बाइलिंगुअल वे में आपको मनोज सर पढ़ाते हैं, यानी कि मैं पढ़ाता हूं, उतने अच्छे से आपको कहीं पर भी सोशियोलॉजी कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया है कि यार मुझे क्लास को एनरोल करना है, अगर आप कोई अच्छी क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं एक ऐसा टीचर हूं जो सूखी मिट्टी को उठा करके ना उससे घड़ा तैयार कर देता हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों को सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं आता है, जिनका कभी कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको भी सोशियोलॉजी इतने अच्छी तरीके से और सोशियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आने लग जाता है कि फिर वो सीधे JRF पार करते हैं। ठीक, मैं वो टीचर नहीं हूं जो बाहर से पैराशूट स्टूडेंट्स को ला करके मैं बताऊं कि देखिए हमारे यहां से ये जो है सिलेक्शन में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर एनरोलमेंट करना है तो यही सिलेक्शन होगा आपका, यहीं से आपको वो समाजशास्त्रीय ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, जेंडर एंड सेक्स, जिसे हम हिंदी में जेंडर और लिंग के नाम से जानते हैं। मगर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होने वाला है स्टूडेंट्स, 21 अप्रैल को शाम को 6 बजे, यानी आज ही के दिन शाम को 6 बजे निशांत कपूर सर जो है वो मेगा वर्कशॉप लेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि कैसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आप 2023 में अपने जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकें वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9650052904, ये जो येलो बैंड नजर आ रहा है इस पे देखिए नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर भी मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो इन दोनों नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एनरोलमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक, और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जेंडर और सेक्स से आज बहुत नया टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखने के लिए मिलेंगे। मगर उसके पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार एक लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि अभी स्टूडेंट्स बहुत कम नजर आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छा सा स्टार्ट करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स जो जेंडर और सेक्स से रिलेटेड है, देखिए मैंने जब एक बात और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो मैं अभी यहां पर पढ़ा रहा हूं ना, तो वो बहुत एक छोटा सा क्रक्स है, एक छोटा सा पार्ट है मेन क्लास। ठीक है, तो जो मेन क्लास होती है ना, उसमें कई बार ऐसे जेंडर को हम डेवलपमेंट से जोड़ करके पढ़ते हैं, जेंडर को हम एनवायरमेंट से जोड़ करके पढ़ते हैं, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, वो सब मेन क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट है, ठीक, वो ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो सबसे पहली किताब है द सेकेंड सेक्स, साइमन डी बेवियर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, कई बार पूछा गया है। ठीक, इन्होंने ही कहा था कि विमेन आर नॉट बॉर्न, ठीक है, विमेन बन बन विमेन पैदा नहीं होती बल्कि उसे समाज बनाता है। ठीक है, विमेन आर नॉट बॉर्न बट दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक, विमेन आर मेड, ये कहा था साइमन डी बेवियोर ने। सीकिंग लाइक फेमिनिस्ट, निवेदिता मेनन की किताब है, और जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, उमा चक्रवर्ती की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों किताबें, द ब्यूटी मिथ नाओमी वोल्फ की किताब है। तो ये सारी की सारी बुक्स आपको याद रखनी है, खरीद करके पढ़नी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैं खरीद करके पढ़ने के लिए बोल। अब देखिए जेंडर और सेक्स क्या होता है, पहले के समय में लोग जेंडर और सेक्स को एक ही चीज मानते थे, और जब सेक्स की बात आती थी, क्योंकि लोगों को मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो कई सारे लोग सेक्स का मीनिंग अदर सेंस में ले जाते हैं।
ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया कि सेक्स क्या होता है। सेक्स जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है आपका, जैविक रूप से आपको जो विशेषता मिली है ठीक उसको हम कहते हैं, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं जुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं सेक्स की तो वो आपका बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, बाय बर्थ आपको कुछ चीज मिल गई। अभी आपको समाज ने कुछ सिखाया नहीं है कि आपको कैसे रहना है, बस जैसे ही बच्चा पैदा होता है डॉक्टर कहता है इट इज अ बॉय इट इज अ गर्ल, तो उसमें वो ये नहीं कहता, वो असमानता नहीं दिखाता है, समझ गए, तो वो कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट को हम सेक्स कहते हैं। व्हाट इज जेंडर, जेंडर रिफर्स टू एट्रीब्यूट्स, जेंडर रिफर्स टू बिहेवियर। अब एक बात बताओ, जो हम व्यवहार करते हैं वो हम हमें जन्म से मिलता है क्या? देख लीजिए, अंजलि कह रही है कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं और लाइक किसी ने नहीं किया है, तो लाइक कर दो जरा जल्दी से। ठीक है, तो जेंडर क्या है टर्म, जेंडर रिफर्स टू एट्रीब्यूट, जेंडर रिफर्स टू बिहेवियर, और बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार, विशेषता। जेंडर शब्द हमारे गुणों, गुण क्या होते हैं, व्यवहार क्या होते हैं, क्या ये बचपन से होते हैं, पैदा होते ही हो जाते हैं व्यवहार, नॉर्म्स मानदंड और नियम। नियम क्या करते हैं हम, समाज के नियम कैसे होते हैं कि लड़कियों को ऐसे खुलेआम ऐसे घूमना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे रास्ते चलते किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बचपन से पैदा होते ही लड़की को आ जाते हैं, नहीं आते हैं। यानी समाज उसको सिखाता है, इट इज एसोसिएटेड विथ सोसाइटी, इट इज एसोसिएटेड विथ अवर कल्चर, दैट इज कॉल्ड जेंडर। एंड वॉट इज सेक्स, जो हमें भगवान से मिला, अल्लाह से मिला, बात समझ में आ गई, ये होता है सेक्स। सेक्स मतलब आपके लिंग से बात हो रही है, जेंडर से, सेक्स से, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। लेकिन जो जेंडर है ना उसमें किस तरह का व्यवहार कौन करेगा, ये आपके सेक्स से एसोसिएटेड होता है। दीज एट्रीब्यूट्स, दीज बिहेवियर, दीज नॉर्म्स, दीज रूल्स आर एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल्स सेक्स। यानी अगर लड़का पैदा हो गया तो भैया पैंट शर्ट पहनना जीवन भर, तू तू बाहर जाके काम करेगा, मर्द को दर्द नहीं होगा, रोएगा नहीं तू, हाँ बस बता दिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए तुम मर्द हो, तुम्हें रोना नहीं है। ये क्या है, ये जेंडर है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ऐसा ही सवाल आ जाता है कई बार, जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जबकि सेक्स इज बायोलॉजिकल मेकअप, जबकि लिंग पुरुष और महिला का जैविक श्रृंगार है। जैविक, जैविक मतलब जो भगवान के द्वारा मिली हुई है, पैदा होते ही जो आपके पास थी। सेक्स इज वॉट वी आर बॉर्न विथ एंड डज नॉट चेंज ओवर टाइम नॉर डिफर, ये देखो ऐसा नहीं है ठीक है, डज नॉट चेंज ओवर टाइम। देखो क्या होता है कि कई बार इंसान की फीलिंग थोड़ी समय के बाद, अभी आगे आएगा तो बताएंगे ठीक है, इंसान की फीलिंग जो है आगे चल के बदल भी जाती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार लड़का है, आगे चल के वो बोल रहा नहीं नहीं मम्मी हमको तो साड़ी पहनने का मन करता है, चूड़ी उड़ी पहनने का मन करता है, और रास्ते में इधर डांस करने का मन करता है, कि क्या बात है। ठीक है, तो नॉर डिफर फ्रॉम प्लेसेस, प्लेस टू प्लेस, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह इसका अर्थ बदलता है। सेक्स वह है जिसका अर्थ नहीं बदलता, सेक्स वह है जहां जिसमें हम पैदा होते हैं, ठीक है, समय के साथ ये नहीं बदलता है, जगह के साथ ये नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए, जेंडर इज नॉट सिनोनिमस टू सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जेंडर जो है वो सेक्स से सिनोनिमस नहीं है, सेक्स का पर्याय नहीं है, दोनों अलग अलग है भैया। सेक्स इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है, जेंडर ऑन द अदर हैंड इज द रोल्स, भूमिका है ना जेंडर,
दूसरी ओर जेंडर क्या है, लिंग के आधार पर दी गई व्यक्तियों को भूमिकाएं हैं। महिलाएं जो हैं वो चूल्हा चौकी करेंगी, हैं खाना बनाएंगी, पानी खत्म हो गया तो पानी लेके आएंगी, ये सब रोल्स असाइंड है। यानी जेंडर क्या करता है, आपको आपकी भूमिका प्रदान करता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ सोसाइटी डिटरमाइंस एंड मैनेज सेक्स कैटेगरीज, द कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू एन इंडिविजुअल सेक्स। तो यह अवधारणा बताती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के लिंग से जुड़े सांस्कृतिक अर्थ में सेक्स श्रेणियों को कैसे निर्धारित और प्रबंधित किया जाता है, यानी सेक्स का प्रबंधन और निर्धारण होता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिफाइन करता है भैया जेंडर को, यह समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कहां पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कितने लोगों को पता है ये बात, जल्दी से बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, ठीक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है जेंडर एज द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विमेन एंड मैन, सच एज नॉर्म्स, सच एज रोल्स, सच एज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ मैन विमेन एंड मैन, इट वेरीज फ्रॉम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हर सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करता है एंड इट कैन बी चेंज्ड। जो जेंडर शब्द है, कहीं कहीं पे महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिलता है, कहीं पे कम मिलता है, कहीं पे पुरुष को कम सम्मान मिलता है, कहीं पे ज्यादा मिलता है। हर जगह अपने अपने मानदंड होते हैं, हर जगह अपने अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, हर जगह महिला और पुरुष के बीच में संबंध जो है वो अलग अलग होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर को महिला और पुरुष किस सामाजिक रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रूप है ये, ठीक है, निर्मित विशेषताओं, मानदंडों, भूमिकाओं और महिला और पुरुष के बीच में जो उसके संबंध होते हैं उसको परिभाषित करता है। यह समाज से समाज में भिन्न होता है और इसे बदला जा सकता है। भैया जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है वो क्या कहती है जेंडर के बारे में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है जेंडर के बारे में। तो ये इसने ना 1982 में एक डेफिनेशन दी थी जेंडर को। जेंडर होता है काइंड, मतलब टाइप, ब्रीड, सेक्स, जिस जो शब्द काहे से बना है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन में इसका मतलब होता है जीनस, जीनस से बना हुआ है, ठीक है, जेनर नेटस, और इट रिफर्स विच रिफर्स टू बर्थ, जीनस मतलब होता है आपका ओरिजिन, लैटिन शब्द से बना हुआ है जेंडर, जेंडर शब्द बना हुआ है जीनस से, जेंडर का मतलब ऑक्सफोर्ड कहता है कि टाइप होता है, ब्रीड होता है, सेक्स होता है, ठीक। तो अगर हम ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश जो होता है 1882 में इन्होंने जेंडर शब्द को डिफाइन किया था, तो ये कहते हैं कि जेंडर एक प्रकार का नस्ल भी होता है, प्रकार होता है, लिंग होते के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि लैटिन शब्द जीनस से लिया है, और जीनस का मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब जन्म हुआ जहां पे, ठीक है, जन्म को संदर्भित करता है, ठीक। 1945 में सबसे पहली बार मेडिसन बेंटले ने जेंडर शब्द को डिफाइन किया है, इन्होंने कहा था सोशलाइज्ड ऑब्जर्व ऑफ सेक्स, यानी सामाजिक रूप से ऑब्वर्स ऑफ सेक्स, सेक्स के विपरीत, क्योंकि सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक है, जैविक और सामाजिक एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए होते हैं। जो हम जन्म में होते हैं हम बाद में बहुत चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो मेडिसन बेंटले ने जेंडर को क्या कहा था 1945 में, इन्होंने डिफाइन किया था कि सेक्स के सामाजिक रूप से विपरीत, सेक्स जैविक रूप है, उसका विपरीत जेंडर यानी सामाजिक रूप है। इस रूप में मेडिसन बेंटले ने जो है परिभाषित किया है, याद रखिएगा मेडिसन बेंटले 1945 में, ठीक है, 1945 में इन्होंने जेंडर शब्द जो है वो डिफाइन किया था।
अच्छा, पुष्पेंद्र बता रहे हैं कि मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, इसलिए आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैक्स वेबर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू पुष्पेंद्र याद दिलाने के लिए, और मैक्स वेबर के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों। मैक्स वेबर ना होते तो हमें बहुत सारी कम थ्योरीज पढ़नी पड़ती, लेकिन वो है, उन्होंने हमें इतनी समझ प्रदान की, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। है नहीं मतलब थे। चलिए, साइमन डी बीबोर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये, है ना। इनकी किताब का नाम आप लोग को तो रट चुका है, मैं रटा चुका हूं, द सेकंड सेक्स। साइमन डी बीबोर ने 1949 में एक पुस्तक लिखी, द सेकंड सेक्स, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक, डिफरेंस होता है। ये कहती है कि वन इज नॉट बोर्न एज वेमेन बट वन बिकम्स वेमेन। कोई जन्म से महिला नहीं होती है या पुरुष नहीं होता है जन्म से, समाज के निर्माण जो होता है वो उसे महिला या पुरुष बनाता है, लेकिन इनका फोकस जो था स्टेटमेंट पे वो महिला पे था, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिस्ट हैं। तो इन्होंने बोला कि जितनी कमजोरियां महिलाओं में आज दिखती हैं वो कमजोरी जो है वो समाज ने दी है, बात समझिएगा, वो कमजोर समाज ने बनाया है महिलाओं को, ठीक है। यही नारीवादी कहते हैं, नारीवादी सिद्धांत कहता है, ठीक है। सेक्स और जेंडर के बीच इन्होंने अंतर की शुरुआत की, और इन्होंने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। याद रखना, स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है, किसने कहा था? साइमन डी बेवियोर ने कहा था। द सेकंड सेक्स किसकी किताब है? साइमन डी बेवियोर की किताब है। और स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ यार, कि मैं पढ़ाता हूं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको मिला है, तो यार हर व्यक्ति अगर एक एक शेयर कर दे अपने दोस्तों को तो हम सफल नहीं हो जाएंगे, हम आप लोगों को सफल बना रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प नहीं करते। और एक एक व्यक्ति जो है टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर लेकर के आ जाए तो हम सफल हो जाएं। तो यार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बढ़ा दो यार थोड़ा सा, है छोटा सा मेंबरशिप है उसमें, ठीक, और सिलेक्शन इतने सारे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने वो जो एक्सपीरियंस द टॉपर ऐसे करके एक सेशन लाया था मैं, जिसमें हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, वो देखा था आप लोगों ने कि नहीं? और ये जो सामने जो स्लाइड है ना, इतनी देर तक मैं रोक के रखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपने आप बदल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जेंडर रोल टर्म, जेंडर रोल टर्म जो है वो जॉन मनी ने कॉइन किया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ना ऐसा सवाल पूछ लिया बहुत सारे एग्जाम्स में कि जेंडर टर्म किसने क्वाइन किया है, और उसका आंसर जो था जॉन मनी ही दिया है, ठीक है, तो याद रख लीजिए अच्छी तरह से। सो सेक्सोलॉजिस्ट जॉन मनी ने जेंडर भूमिका शब्द गढ़ा, ठीक है, जेंडर भूमिका शब्द। अच्छा किस किसने दे नहीं देखा जिसने वो बताओ ना यार, अब जो लोग देखे हैं तो वो तो ठीक है, अच्छा काम किए, जो नहीं देखे हैं वो बताइए। सर पहले आप जैसे थ्योरी मैंने अप्लाई की है, सर जेके सेट में आया था ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जेके सेट में आया था, वेरी गुड, देखो जेके सेट में आया था जॉन मनी, ठीक है, जेंडर रोल सबसे पहली बार इन्होंने दिया है, अपना सपना मनी मनी मनी। अच्छा जॉन मनी को याद रखने का तरीका बताऊं मैं, कि ऐसा कहा जाता है, वैसे ऐसा सच है नहीं, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि अच्छी बीवी मिल जाए तो खूब सारा मनी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो जेंडर रोल याद रखिएगा, ठीक। तो सेक्सोलॉजिस्ट जॉन मनी कॉइन्ड द टर्म जेंडर रोल एंड वॉज द फर्स्ट टू यूज इट इन प्रिंट इन साइंटिफिक ट्रेड जर्नल, सबसे पहली बार इन्होंने इसका सिस्टमेटिकली जेंडर शब्द को डिफाइन किया है, जेंडर रोल शब्द को,
ठीक है, साइंटिफिक ट्रेड जर्नल था उसमें इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इन अ सेमिनल 1955 पेपर ही डिफाइंड इट एज ऑल दोस थिंग दैट अ पर्सन से और डज टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज हैविंग द स्टेटस ऑफ बॉय मैन गर्ल और विमेन। जब आप ऐसा काम करते हैं, चाहे वो कह के बताएं चाहे करके बताएं, ठीक है, थैंक यू वर्षा, थैंक यू, समझ गए। तो चाहे आप कह के बताएं चाहे आप करके बताएं, क्या करके बताएं, आपके करने के तरीके से और कहने से आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है, उस चीज को इन्होंने कहा था जेंडर रोल। अब जब आप अपनी भूमिका जो होती है, रोल, रोल माने भूमिका, तो भूमिका का मतलब क्या होता है, आप करते हैं अपना काम जो आपको समाज ने दिया है, उसी को कहते हैं ना भूमिका निभाना। तो जॉन मनी यही तो बता रहा है, जेंडर भूमिका शब्द गढ़ा है इन्होंने, सबसे पहली बार इन्होंने प्रिंट फॉर्म में जो एक वैज्ञानिक व्यापार पत्रिका आती थी उसमें इन्होंने आर्टिकल लिखा था। 1955 में एक मौलिक पत्र में उन्होंने जेंडर रोल को इस तरह से परिभाषित किया है, किस तरह से, वो सभी चीजें चीजों के रूप में परिभाषित किया है जो व्यक्ति खुद को प्रकट करने के लिए कहता है या करता है। अब आप देखिए वो गाना सुना है, तेरी पतली कमर में है जादू, अब कभी आपने किसी लड़के के लिए सुना है क्या? बताइए, कभी आपने किसी लड़के के लिए सुना है कि तेरी पतली कमर में है जादू, तेरे अंग अंग में है जादू, जादू है तेरी नजरों में। तो ऐसे गाने एक महिला के लिए बनते हैं, महिला बहुत खुश हो जाएगी अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले कि यार गजब हो तुम, अरे भाई साहब, महिला जो है सातवें आसमान पे चली जाती है। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि जेंडर रोल है, क्योंकि जेंडर भूमिका है, ठीक है, खुद को लड़का या पुरुष, खुद को लड़की या महिला की हैसियत के रूप में जब आप अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को कहते हैं, आप कुछ कार्य करते हैं, जॉन मनी उसे एक जेंडर रोल कहते हैं, ठीक है। चलिए, जुडिथ बटलर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं स्टूडेंट, जुडिथ बटलर, जुडिथ बटलर कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ वीमेन टू हैव मोर चैलेंजिंग ओइंग नॉट ओनली टू सोसाइटीज व्यूइंग वीमेन एज अ सोशल कैटेगरी बट ऑल्सो एज अ फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ कल्चरली कंडीशन एंड कंस्ट्रक्टेड सब्जेक्टिव आइडेंटिटी। जुडिथ बटलर कहते हैं जब आप वीमेन पैदा होते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, समझ में आया, महिला के लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं इस दुनिया के अंदर, फिर चाहे आप उसे सामाजिक श्रेणी में देखें, चाहे आपको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश, आज भी महिलाएं अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आज भी कई घर की महिला, मेरे को कितने सारे फोन आते हैं लड़कियों के, सर अब हमारे पापा पढ़ने नहीं देंगे सर अगर इस बार क्वालिफाई नहीं। अरे यार, व्हाट इज दिस, कोई लड़का ऐसे बोल सकता है? कोई लड़का अगर मान लीजिए 40 साल का है, 45 साल का है, और वो अपने घर में बोले ना कि मेरे को यार थोड़ा पढ़ना है अब, तो लोग खुश होते हैं कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, जॉब के साथ पढ़ाई करेगा, गजब, ठीक। लेकिन महिला अगर मान लीजिए 35 साल की हो जाती तो उसको बोलते अरे महाराज शादी कर लो नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा अब इसके बाद,
एक महिला होने की अवधारणा को और अधिक चुनौती के रूप में मानती हैं जुडिथ बटलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल सीधे आएगा कि एक महिला होने की अवधारणा को और अधिक चुनौती के रूप में कौन मानता है, ठीक है? ना केवल यह कहती है कि समाज की महिलाओं को एक सामाजिक श्रेणी के रूप में चुनौती प्रस्तुत होती है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से वातानुकूलित और निर्मित व्यक्तिपरक पहचान के रूप में भी, ठीक, उनके सामने चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं जूडिथ बटलर के सामने। हाँ, जेंडर ट्रबल जो पुस्तक है वो जूडिथ बटलर की है और मैंने आप लोगों को वो पढ़ाई। फिर उसके बाद आते हैं मिशेल फोको। अब मेरे को जरा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, मिशेल फोको ने नॉलेज को क्या कहा है? मिशेल फोको ने ज्ञान को क्या कहा है? क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर जगह उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं आइडियोलॉजी क्या है, एक ज्ञान क्या है, जो कास्ट सिस्टम है हमारा पूरा कि चार वर्ण होंगे, ये हो, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ये व्यवसाय करेगा, वो व्यवसाय करेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, ये निकलेगा तो दूसरा चिल्लाएगा कि अरे भैया मैं छूता रहा हूं, हट जाओ नहीं तो आप लोग गंदे हो जाओगे। तो ये सब क्या था? पावर, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ग्रेट, ठीक है। तो नॉलेज को इन्होंने पावर माना है, नॉलेज और पावर में इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया, ये कहते हैं जो चीज नॉलेज है वो पावर है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो नॉलेज है ना, ये स्टैब्लिश किया जाता है, ये ज्ञान स्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है ज्ञान को। तो ये जो जेंडर रोल है ना, ये जो जेंडर शब्द है ना, ये पावर के से स्थापित किया गया है। आप बताइए कौन पुरुष बैठ करके घर में इसे खाना बनाना चाहेगा चूल्हे पे, बताइए क्यों नहीं? पुरुषों ने ये काम अपने हाथ में ले लिया कि भैया चलो हम बैठ के ऐसे चूल्हा फूकेंगे और चूल्हा जलाएंगे और खाना बनाएंगे, और हमारे जो पत्नी है वो जैसे अपन कहते हैं पति परमेश्वर, तो वैसे पत्नी देवी आएंगी है, और हम उनके लिए चाय ला के रखेंगे, तुरंत दौड़ के पानी ले आएंगे। ये क्या है मतलब? दिस इज द पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर। जो डोमिनेंट लोग थे, जो फिजिकली शक्तिशाली थे, उन लोगों ने एक नॉलेज बनाया, एक ज्ञान बनाया, एक शक्ति स्थापित की कि पुरुष ऐसे रहेगा और महिला जो है वो ऐसे रहेगी। और इसको क्या कहते हैं मिशेल फोको? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन कहते हैं। इसी को ये जटिल रणनीतिक स्थिति कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रणनीति बनाई है समाज ने। ये क्या कहते हैं? ह्यूमंस आर ऑब्जेक्ट ऑफ पावर, इट इज अ सिग्निफायर और नेम अट्रीब्यूट टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। मिशेल फोको ने कहा कि यौन विषयों के रूप में मनुष्य सत्ता की वस्तु है, मनुष्य सत्ता की वस्तु है। मनुष्य हमेशा एनवायरनमेंट को भी अपने हिसाब से यूज करता है, उसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाता है, उसके अपना ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाता है। बिकॉज ऑफ दिस पावर वॉट डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स अट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल बिहेवियर। हम तलवार लेके लड़ने के लिए जाएंगे और तुम हमें तिलक लगाना, समझ गए? ठीक है, और तुम घर में बैठना चुपचाप। और जैसे अगर मान लो हम लोग हार जाएं तो वो पिछले सुरंग बनवा दिए हैं, उस सुरंग में से निकल के बिल्कुल दूसरे गांव चले जाना, नहीं तो ये राजा उठ के ले जाएगा। मतलब यार महिला है, महिला क्यों नहीं लड़ेगी युद्ध, और काहे वो सुरंग में से घुस जाएगी और निकल जाएगी और दूसरे गांव चली जाएगी, है यार। ये मिशेल फोको जो था ना, बहुत इंटेलेक्चुअल, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ये उत्तर आधुनिक थिंकर हैं, याद रखिएगा। एंड पीपल आर पार्ट ऑफ ऑन्टोलॉजिकली एंड एपिस्टेमोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड सेट ऑफ नेम्स एंड लेबल्स। क्या कह रहे हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। ये कह रहे हैं पीपल आर
पार्ट ऑफ एन ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी कली कंस्ट्रक्टेड सेट ऑफ नेम्स एंड लेबल। एपिस्टेमोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या होती है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं ज्ञान के स्कोप का, ज्ञान के दायरे का, ज्ञान की उत्पत्ति का, है कि नहीं। ओरिजन स्कोप, ओरिजन, वी स्टडी द ओरिजन एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, ओरिजन स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की उत्पत्ति का, ज्ञान के विकास का और ज्ञान के दायरे का अध्ययन जो होता है उसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो ये कहते हैं एक व्यक्ति जो होता है ना, उसे एपिस्टेमोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी ज्ञान मीमांसा के रूप से निर्मित किया जाता है व्यक्तियों को, लोगों को, उसको एक लेबल दिया जाता है। लेबल मतलब महिला, अरे महिला है रे ये पुरुष है, अरे महिला है तू, हैं वो महिला की तरह रहे। जैसे होता है ना कई बार, जैसे ड्रिंक ड्रिंक करके आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो तुम महिला हो, महिला की तरह रहोगी, समझे, और हम मर्द है, और फिर दे झाड़ू ही झाड़ू मारती है महिला, तो सब भूत उतर जाता है, ठीक है। समझ गए। तो इसे क्या कहते हैं, मिशेल फोको ने क्या कहा है, जटिल रणनीतिक स्थिति, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन। इन्होंने कहा है पीपल आर एपिस्टेमोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। यार याद रखना, अगर कोई गलत करके आया ना तो उसका हाथ ऐसे करूंगा और इधर मारूंगा, ठीक है, यहीं पे बुला के सबके सामने। पीपल आर एपिस्टेमोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, ज्ञान मीमांसीय रूप से निर्मित होते हैं व्यक्ति, लोग। ये मिशेल फोको ने कहा था, नहीं तो जैसे ही एपिस्टेमोलॉजी आ जाए तो काल मैनहेम करके नहीं आना, ठीक है। अगर जेंडर के टर्म में, पीपल के टर्म में एपिस्टेमोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड वर्ड आता है तो मिशेल फोको करके आओगे, ठीक। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया, बीइंग फीमेल, एक महिला होना characterizes one as women and being a woman signifies as weak, signifies as weak, emotional, irrational, incapable of action। समझ गए, ठीक है। एक महिला, जैसे मान लीजिए अगर किसी पुरुष को कोई महिला बोल दे, अमल कोई आदमी जा रहा है उसको अपने बुलाया, ए औरत इधर आ, इधर आ औरत, चिढ़ जाएगा यार वो। आप उसको औरत क्यों बोलोगे, इसलिए बोलोगे क्योंकि उससे क्या दिखे, क्या लगेगा उसको कि मेरे को कमजोर बोल रहा है, मेरे को इमोशनल बोल रहा है, मेरे को इरेशनल बोल रहा है, मेरे को इनकेपेबल बोल रहा है। मिशेल फोगो कहते हैं ये सब विशेषताएं पुरुषों ने स्त्रियों को दी हैं, इसीलिए कोई आदमी को कभी कहना रास्ते में, अरे भैया, जैसे आप देखिएगा किसी आदमी को आप बोल दो, मैंने एक बार रेडियो मिर्ची पे मैंने ये देखा था, क्या नाम है उसका, बउआ, वो एक पुरुष को बोलता है कि हाँ बहन, तो वो जो पुरुष था ना वो इतना तेज झल्लाया, उसने इतनी गालियां दी उसको, कह रहा है कि अबे तुम्हें मेरी आवाज से नहीं समझ में आ रहा कि मैं पुरुष हूं, कह रहा हाँ आ रहा है, तो वो कहता है तो हाँ तो बहन जी जैसी आवाज लग रही है आपकी। समझ गए। तो वीक होती, ये एग्जांपल दिया है मिशेल फोको ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि विमेन को कैसे सिग्निफाई किया जाता है, वीक, इमोशनल, इरेशनल, इनकेपेबल, ठीक। तो उदाहरण के लिए महिला होना एक महिला के रूप में एक विशेषता है, महिला के रूप में एक विशेषता है, और एक महिला होने के नाते एक कमजोर, भावनात्मक, तर्कहीन, ठीक, असमर्थ होने का प्रतीक है, ठीक है। पुरुषों के लिए जिम्मेदार है, मतलब हर काम आपको पुरुष के लिए करना है। अकॉर्डिंग टू कैंडल, ये पीसी कैंडल है, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू कैंडल सेक्स इज बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड विमेन। याद रखिएगा, कैंडल के अनुसार सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर प्रस्तुत करता है। इट इज द फर्स्ट लेवल वी रिसीव इन लाइफ। ये हमारी जिंदगी का सबसे पहला लेवल होता है जो हम रिसीव करते हैं। देखिए कैंडल कितने सही बात बता रहे हैं, ये पहला लेवल है जो आपको मिलता है ना। आपका नाम भी नहीं होता है उस समय, आपको बोला जाता है कि अरे ये तो लड़का हो गया रे, ये तो लड़की हो गई रे, है लक्ष्मी, बाद में नाम रखा जाता है। सबसे पहला जो आपको लेबल मिलता है, ये कहते हैं कि सेक्स के आधार पे आपको लेबल मिलता है। वाह कैंडल, गजब का मतलब सोच है। नहीं, इन सम कल्चर्स जेंडर्स डील विथ विमेन सपोज्ड वल्नरेबिलिटी देयर आइडेंटिटी एज द सेकेंड सेक्स और फेयरर सेक्स। देखो याद रखना, सेकेंड सेक्स और फेयरर सेक्स किसने कहा है? कैंडल ने भी कहा है। देखो सेकेंड सेक्स तो किताब है साइमन डी बेवियर की, लेकिन कैंडल ने ये शब्द दिया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, एंड देयर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, कैंडल कहता है। ठीक, कुछ संस्कृतियों में जेंडर महिलाओं की कथित भेद्यता, दूसरे लिंग के रूप में देखा जाता है, इन्हें निष्पक्ष लिंग के रूप में उनकी पहचान की जाती है और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित है, ये कैंडल कहता है। याद रख लेना बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर प्रस्तुत किया है कैंडल ने। ठीक, चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से शेयर कर दीजिए, चिल्ला दीजिए, बता दीजिए कि भैया ऐसा है कि एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए। मेगा वर्कशॉप जब तक मैं प्रमोट कर रहा हूं, सर का, निशान सर का मेगा वर्कशॉप होने वाला है 21 अप्रैल 2023 को शाम को 6 बजे। ठीक है, तो उसमें वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, इसको अटेंड कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, और ये नंबर है गोल्डन नंबर जादुई छड़ी 9650052904, इस पर कॉल कर लीजिएगा अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं क्लास के लिए। और अभी कर लो यार, जून का वेट मत करो कि यार एग्जाम होगा फिर उसके बाद ये वो, फिर टाइम निकलता जाता है फिर आप लोगों का, फिर रोते हो बैठ के। ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप हैं, स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो टाइमिंग तो याद रहेगा ना पूजा, टाइमिंग याद रखो। चलो आ जाओ क्लास में। डीप्रेजेंटाइजेशन एसेंशियली मींस वी कृषिकरण, इसको वी भी कर लेना, वी या आ दोनों बात बराबर ही है। वी कृषिकरण का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही है आप सब लोग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्रिंकिंग साइज ऑफ पीजेंट प्रैक्टिस, श्रिंकिंग साइज। ठीक है, कृषकों के पेशे या भूमि में लघु उत्पादक आकार में संकुचन। अब देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तुम लोग बहुत कैसे फेमिनाइजेशन पूछ लेता है तो तुम लोग गलत कर देते हो, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है ये डीप्रेजेंटाइजेशन। डीप्रेजेंटाइजेशन मतलब पीजेंट्स का कम होना। ठीक है, पीजेंट्स प्रैक्टिसेस का कम होना, बस सीधी सी बात है। When people from one country moves permanently to some another country is called as, जब एक देश के लोग स्थायी रूप से दूसरे देश में चले जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? When people of one country moves to another country permanently, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मुझे सबके आंसर मिल रहे हैं।
ठीक है, तो जब कोई हमारी कंट्री में परमानेंटली रहने आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए, ठीक, मूव परमानेंटली टू अनदर कंट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। इमी, एक मिनट यार, ठीक, ये एमी होना चाहिए यार, सॉरी, ये बी होना चाहिए। ठीक है, ये एमिग्रेशन है। ठीक है, इमी मतलब हमारी कंट्री में आ जाए तो वो इमी होगा। हमारी कंट्री में जब कोई आता है तो वो इमी होगा, हमारी कंट्री से कोई जाता है तो वो एमी होता होता है। ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन, ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन पीपल लीव अवर कंट्री तो वो क्या कहलाता है, वो एमी कहलाता है। ठीक, तो ये लीव वाली बात हो रही है तो ये एमी होना चाहिए। ठीक, मूव ये लीव कर रहा है ना, अपनी कंट्री को छोड़ रहा है। ठीक, वन कंट्री, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एमी कहेंगे। ठीक, एग्जिट कर रहा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कमिंग टू रिसाइड इन अ कंट्री एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री फॉर रिसाइडिंग ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड इज टर्म्ड एज, किसी समय अवधि के दौरान किसी देश में रहने वाले रहने के लिए आने और देश से बाहर रहने के लिए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, कुल संख्या के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, यह बताना है स्टूडेंट, दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है। डिफरेंस, डिफरेंस को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, नेट कहा जाता है, वेरी गुड, शुद्ध प्रवासन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपीजेंटाइजेशन इन रूरल कश्मीर माइग्रेशन इमिग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण कश्मीर आप्रवासन में निराशाकरण, डीपीजेंटाइजेशन नहीं, विकृषिकरण, विकृषिकरण के लिए जिम्मेदार है। विकृषिकरण वहां पे क्यों हो रहा है, किस तरह का विकृषिकरण हो रहा है वहां पे, जम्मू कश्मीर में, बताइए, कश्मीर में, सॉरी। तो डिस्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है, संकट प्रेरित वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, है ना, वहां पे संकट चल रहा है इस वजह से वहां पे विकृषिकरण हो रहा है। द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्राइम इज प्रोपाउंडेड बाय, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसके, अपराध का डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसने दिया है, तो सदरलैंड ने दिया है, सदरलैंड, याद रखिएगा, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, साइंस इज अ फ्री सोसाइटी, साइंस इन अ फ्री सोसाइटी, साइंस इन अ फ्री सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, साइंस इन अ, गांधी जी बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ओरिजिनली गुजराती में लिखी है, ट्रांसलेट किसने किया है इसको इंग्लिश में, बताइए, गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। और एक बात बताओ मुझे, आप लोग पेपर पेन लेके बैठते हो कि नहीं, कि बस ऐसे दूसरे का आंसर देख करके अपना आंसर टिक कर रहे हो, तो इसका सही आंसर क्या है, महादेव देसाई।
ठीक है, महादेव देसाई। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब्स हिज टू लंग्स। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन अपने दो फेफड़े के रूप में किया है? सबको मालूम है यार इसका आंसर, सत्य और अहिंसा। ट्रुथ और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी जल्दी करेंगे अब। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स लिखी है बागची, ए के बागची। न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्कर्स रिस्पॉन्स, ए के बागची, याद रख लेना। हु हैज ऑथर्ड द बुक वॉट इज दिस कॉल्ड साइंस। वॉट इज दिस कॉल्ड साइंस, दिस थिंग कॉल्ड साइंस, वॉट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस। पुस्तक के लेखक कौन है? और याद होगा आप लोगों को, कई बार मैं पूछा हूं। तो चैमर्स, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा हुआ भी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकरेक्ट, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा मैच गलत सुमेलित है? पता ही है सब लोगों को, बहुत बार गा गा के मैं बता चुका हूं। कौन सा मैच गलत सुमेलित है? तो मधुमाला चट्टोपाध्याय ने गोंड की स्टडी नहीं की थी, सबसे खतरनाक जो अंडमान ट्राइब्स थे उनकी स्टडी की थी, अंडमान में रहने वाले, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर असर्ट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटल क्लास एंड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सामाजिक वर्ग और भाषा के बीच सीधे संबंध का दावा करता है? आप खुद ही देख लीजिए ना यार, जो हायर क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं उनकी भाषा, और जो लोअर क्लास सोसाइटी के लोग रहते हैं तो वो कैसे बोलते हैं? लोअर क्लास सोसाइटी के लोग कैसे बोलते? ए ए कहाँ जा रहा है वे, ए इधर आ ना वे, इधर आ, ऐसे बोलिए। और हायर क्लास सोसाइटी के लोग कैसे बोलते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ आइए, हाँ थोड़ा हमारे पास भी बैठा कीजिए, हैं? जब देखो तब यहाँ घूमती रहती हैं, ठीक है। तो बेसिल बर्नस्टाइन ने ये कहा था कि सोसाइटल क्लास और लैंग्वेज में गहरा संबंध है, बहुत डीप रिलेशनशिप है, ठीक। क्या दिन रात काम करती रहती हैं, कभी हमारे पास भी 2 मिनट बैठ लिया कीजिए। लोअर क्लास के लोग होंगे तो वो कैसे कहेंगे, कहाँ तुम दिन रात काम कर रही हो यार, हैं? आओ ना थोड़ी देर हमारे पास बैठो। लैंग्वेज विच, और अमिताभ जी कैसे बोलते हैं? अब रहने दीजिए, अभी क्लास चलने दीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड हिज फील्ड वर्क इन अंडमान आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। रिसर्च विच लेड टू 1922 पब्लिकेशन ऑफ द बुक द अंडमान आइलैंडर। सीरीज की बात है यार कि 1922 में एक किताब पब्लिश हुई थी, अंडमान पर अध्ययन किया था, द अंडमान आइलैंडर्स उस किताब का नाम है, ये किसने लिखी है? सीधी सी बात है, यही बता दो बस, बाकी सब कहानी है। किसने लिखी है? ऑप्शन बी, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी है, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड जेंडर फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ रूल्स दैट बॉन्ड बिटवीन विमेन एंड मैन इनटू फैमिली यूनिट फॉर कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट टास्क। किसने कहा कि जो लिंग भूमिकाएं होती हैं वो एक पूरक समूह की तरह है, जिसमें महिला और पुरुष को विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य को करने और के लिए परिवार इकाई में बांधता है, परिवार को पूरी एक इकाई में बांध के रखता है। ये जो महिला और पुरुष जो कार्य करते हैं ये परिवार को बांधे रखता है, ये किसने कहा था बिल्कुल सिंपल शब्दों में? और आप सब लोगों को आंसर पता है, टेलकट पार्सन्स ने कहा था।
और इन्हीं ने कहा था कि फैमिली जो होती है वो एक फैक्ट्री की तरह होती है जिसमें बच्चों का प्रोडक्शन होता है। चलिए, हु सेड सोशियोलॉजिकली देयर फॉर वी आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल चेंज ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट अराइजेस फ्रॉम और हैज एन इफेक्ट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसने कहा था कि सामाजिक रूप से हम सांस्कृतिक परिवर्तन में केवल उसी हद तक रुचि रखते हैं जब तक यह सामाजिक संगठन से उत्पन्न होता है या इसका प्रभाव पड़ता है। बताइए, हम लोग ऐसे कल्चरल चेंज का ही अध्ययन करते हैं जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, बस। ये किसने कहा था? ये किंग्सले डेविस ने कहा था। ऐसे ही कल्चरल चेंज का अध्ययन करना चाहिए जिसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा हो, बाकी सब कल्चरल चेंज का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट, और एनरोलमेंट कर लो यार 9650052904। हु बिलीव्स दैट हर्म्यूनिटिक्स इज स्ट्रिक्टली द थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन एज कॉन्ट्रास्टेड नॉट इक्वेटेड विथ एक्सप्लीकेटिंग अप्लाइंग और ट्रांसलेटिंग। ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अध्ययन से संबंधित है हर्म्यूनिटिक्स। ये किसने कहा? कौन मानता है कि हर्म्यूनिटिक्स सख्ती से भाषाई संचार को समझने का सिद्धांत है? ठीक है, आपको सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह से, फ्राइडरिक श्लायर मैकर है ना, ये फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन भी कहे जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिविल वॉर एंड रिवॉल्यूशन, ग्रह युद्ध और क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रह युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन परी। जोनाथन परी, परी नाम याद रखो इसे, परी। सिविल वॉर एंड रिवॉल्यूशन परी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज द सोशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड एजिंग विदाउट गिविंग प्राइमेसी टू ईदर। आसान है, बताओ। यह सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण है और उससे पुनरुत्पादन से संबंधित, जो संरचना और एजेंट दोनों के विश्लेषण पर आधारित है बिना किसी को प्राथमिकता दिए। बन गया है सही, स्ट्रक्चरेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संरचना करण। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर ओन एनवायरमेंट, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ मेथड एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फेस टू फेस इंटरव्यू। यह प्रतिभागियों के अवलोकन और आमने सामने के साक्षात्कार जैसी विधियों के उपयोग के माध्यम से अपने स्वयं के वातावरण में लोगों का अध्ययन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एथनोग्राफी। और यह क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल पूछा था ना इस बार कि जेरेंटोलॉजी क्या होता है, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, तो ये सबके मीनिंग आप पता कर लेना एक बार, ठीक है, चारों ऑप्शन के मीनिंग पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ सुसाइड ड्यूरिंग 2019। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 के दौरान जो आत्महत्याएं हुई उसका प्रमुख कारण क्या था, सबसे ज्यादा लोगों ने किस कारण से आत्महत्या की थी? अब बता भी दो, पारिवारिक प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम एंड इलनेस, पारिवारिक समस्या और बीमारी। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द मेन एडवोकेटर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल, औपचारिक विद्यालय के प्रमुख समर्थक कौन है? समाजशास्त्र के औपचारिक विद्यालय, औपचारिक स्कूल ऑफ थॉट से कौन संबंधित है? जॉर्ज सिमिल संबंधित है, सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के बारे में औपचारिक स्कूल की मुख्य अवधारणा क्या कहती है? बताओ,
फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट सोशियोलॉजी को कैसा बनाना चाहता है, कैसा क्या बनाना चाहता है, प्योर बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है, स्वतंत्र बनाना चाहता है, जैसे मैथमेटिक्स है वैसे बनाना चाहता है, जैसे फिजिक्स है वैसे बनाना चाहता है, और कैसे बनाना चाहता है। हु डिफाइंड पब्लिक पॉलिसी एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर होल सोसाइटी। सार्वजनिक नीति को पूरे समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में कौन परिभाषित करता है, बताइए। तो डेविड ईस्टन, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड, देखो नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा हूं, विद द आइडिया ऑफ डिस्प्यूट पिरामिड एंड द फॉर्मूला नेमिंग ब्लेमिंग एंड क्लेमिंग। बहुत अच्छे से याद कराया है, गलत तो किसी का होगा नहीं, सब लोग एक दूसरे का देख के सही कर दें। निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने विवाद पिरामिड के विचार और नामकरण दोष दावा के सूत्र से जुड़ा नहीं है, नहीं है बता दें। सही है, विल्सन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, विल्सन जुड़ा नहीं है। चलो, हु कॉइंड द फ्रेज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म एज द ओनली वर्ल्ड व्यू कंपैटिबल विथ साइंसेस ग्रोइंग नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड एंड द लॉ ऑफ नेचर। वैज्ञानिक मानवतावाद वाक्यांश को वास्तविक दुनिया के विज्ञान के बढ़ते ज्ञान और प्रकृति के नियमों के साथ संगत एकमात्र विश्व दृष्टिकोण के रूप में किसने देखा है? एडवर्ड विल्सन ने देखा है, ठीक है, जो पहले नहीं था वो आज है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट एडवर्ड विल्सन से जुड़ा हुआ है, सिंपल। Who said India need cultural revolution? किसने कहा था कि भारत को एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है? भारत को एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है, ये कमला भसीन ने कहा था। Who said public sphere has historically not been as open or accessible to disadvantage or marginalized group in a society such as women, people of color, therefore such groups forced them to form their own separate public sphere। ये किसने कहा था, किसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा से समाज में वंचित या हाशिए के समूह जैसे महिलाओं या रंग भेद के आधार पे खुला और सुलभ नहीं रहा, हमेशा से खुला सुलभ नहीं रहा, ठीक है, ये किसने कहा है, और अलग सार्वजनिक क्षेत्र बनाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, इसलिए महिलाएं आपस में ही बात करती रहती हैं। तो ये नैन्सी फ्रेजर ने कहा है, ठीक है, नैन्सी। अब भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एनरोल करना है तो एनरोल करो, 9650004005204 पर कॉल करो, स्कैन कर लो तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू हुम मैन प्रिजर्व्स द बेस्ट ऑफ हिज ओल्ड कल्चर व्हाइल क्रिएटिंग न्यू कल्चर। किसके अनुसार मनुष्य संस्कृति की अपनी भावनाओं से निर्माण करते हुए, नई संस्कृति निर्माण करते हुए अपनी जो पुरानी अच्छी संस्कृति होती है उसका संरक्षण भी करता है, ये कौन कहता है? घुरिये, बिल्कुल सही, जीएस घुरिये। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम एंड द लिगेसी ऑफ रामायण। दोनों किताब के लेखक कौन है? भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम और द लिगेसी ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। जीएस घुरिये हैं, घुरिये की ही किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 30, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्टिंग टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि देश के हर ग्रामीण परिवार तक नल का पानी का कनेक्शन देना। कब तक? लेकिन कब तक? कब तक? 2024 तक।
क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ मॉडर्निटी इज नॉट डिस्कस्ड बाय गिडेंस। सरल सवाल है, आधुनिकता के निम्नलिखित में से किस आयाम की चर्चा गिडेंस द्वारा नहीं की गई है? सरल है, उसको सही कर देना। अभी खत्म नहीं हुआ है राफिया, पहले ही कैपिटलिज्म है। इसकी जगह कैपिटलिज्म है। पूंजीवाद, और सभी को ईद मुबारक है, क्योंकि अच्छा तुम्हारा पैक खत्म हो गया, अच्छा इसलिए, चलिए कोई बात नहीं, सभी को ईद मुबारक। मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया वगैरह में तो दिख गया है चांद, आज हिंदुस्तान में भी दिख जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन द वर्ल्ड इन 2020। निम्नलिखित में से कौन 2020 में दुनिया में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? बताइए, सबसे बड़ा उत्सर्जक है। मेरा एक दोस्त हुआ करता हुआ मतलब है, अभी उससे बहुत समय से बात नहीं हुई है, तो वो अलीगढ़ में मतलब बहुत अच्छे खानदान से था, तो नवाबों के खानदान से थे। तो वो एक बार मेरे को सेवई ला लेकर के आए, और वो कह रहे थे कि सर ये जो सेवई है ना, ये 6 महीने तक हम रख सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो जो वो सेवई हमने खाया, आज तक उसका स्वाद जो है हमारे मुंह पे रहता है यार। वैसी सेवई आज तक जीवन में नहीं खाई। द प्रोसेस वेयर बाय कैरेक्टर ऑफ पुअर अर्बन एरिया इज चेंज्ड बाय वेल्दियर पीपल, मतलब गरीबों को हटा करके अमीरों को बसाया जाता है ताकि सौंदर्यकरण हो सके, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और ये पिछली बार पूछा था, और ये मैं पुराना ही सवाल है, ये कई बार पूछ चुका हूं मैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गरीब शहरी क्षेत्र के चरित्र को अमीर लोगों द्वारा बदल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिंपल सवाल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन, ठीक है। हु सेड दैट वर्चुअल स्पेसेस क्रिएटेड थ्रू द इंटरनेट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ डिजिटल पब्लिक स्फीयर? किसने कहा है कि इंटरनेट और संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए गए वर्चुअल स्पेस ने एक नए प्रकार के डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र का उदय किया है? किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये कहा है हॉवर्ड रेनगोल्ड ने, याद रखना, ठीक है, न्यू डिजिटल पब्लिक स्फीयर, हॉवर्ड रेनगोल्ड। Who has written the book The Sociology of Art? Sociology of Art पुस्तक के लेखक कौन है? ये और नहीं है, ये आर्ट है, ये आर्ट है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। अर्नोल्ड हाउजर ने सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है।
क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एनालाइज दैट इंटरनेट लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड बेटर सोसाइटी। कौन विचारक ये मानता है कि इंटरनेट एक अधिक सूचित और बेहतर समाज की ओर हमें ले जाता है? और ये नाम तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को याद करा रखा है। बिल्कुल सही, राफिया कर रखा है पोलार्ड। हाँ, याद हो गया, ये क्वेश्चन आएगा जरूर और अब पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, मगर सबसे पहले होमवर्क। हाउ डिड रेंडल कॉलिंस डिफाइंड कल्चरल कैपिटल? रेंडल कॉलिंस ने सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक पूंजीवाद यार, को कैसे परिभाषित किया है? अगर नहीं पता है तो ये YouTube पे मेरा शॉर्ट वीडियो आ चुका है, रेंडल कॉलिंस लिखिए बाय मनोज सर, मनोज सोनकर सर लिखिए, मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जिन जिन ने ऐप नहीं डाउनलोड किया इसको स्कैन कर लेना, ऐप डाउनलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।